सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स दोस्त को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ के लिए, और बेल आइकन को दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। अब सरकारी विद्यालय में बनेंगे हेड बॉय और हेड गर्ल, जाने चयन का आधार, चयन समिति और इनके कार्य। तो साथियों, ये नई न्यूज है सरकारी विद्यालयों के लिए। किस प्रकार से हेड गर्ल और हेड बॉय का चयन होगा, कैसे इनके कार्य होंगे, जानते हैं एक आदेश के माध्यम से। तो साथियों, ये आदेश है जो 9/2/2021 को जारी हुआ है। तो विद्यालय संचालन श्रेष्ठ विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा अन्य विद्यार्थियों की अनुप्रेरणा हेतु हेड बॉय और हेड गर्ल बनाए जाने के संबंध में ये आदेश जारी हुआ है। तो विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए संस्था प्रधान शिक्षकों के अतिरिक्त उसी विद्यालय में अध्ययनरत वे विद्यार्थी भी रोल मॉडल, प्रेरक, मार्गदर्शक और सहयोगी होंगे, जो कि विद्यालय गतिविधियों में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की प्रतिभा एवं अन्य विद्यार्थियों के लिए अनुकरणीय बन सकती है। अतः राजकीय माध्यमिक विद्यालय में एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक प्रतिभाशाली बालक और एक प्रतिभाशाली बालिका को विद्यालय संचालन, एकेडमिक गतिविधि तथा विकास कार्यों में सर्व विद्यार्थियों की प्रतिनिधि के रूप में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हेड बॉय और हेड गर्ल बनाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसकी संपूर्ण चयन प्रक्रिया निगरानुसार होगी। चयन प्रक्रिया क्या होगी ये देखते हैं। हेड बॉय और हेड गर्ल का जो चयन शाला में निम्नांकित चयन समिति करेगी। सबसे पहले जो शाला प्रधान वो होंगे। इसके अतिरिक्त विद्यालय का एक वरिष्ठ अध्यापक या व्याख्याता जो कि SDMC का सचिव सदस्य होगा। विद्यालय का शारीरिक शिक्षक इसमें सदस्य होगा। विद्यालय का पुस्तकालय अध्यक्ष या पुस्तकालय प्रभारी और एक शिक्षिका महिला प्रतिनिधि के रूप में। यदि महिला शिक्षिका नहीं है तो अन्य किसी शिक्षक का चयन किया जा सकता है। चयन का आधार क्या होगा, तो हेड बॉय और हेड गर्ल के चयन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जाएगा। तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हेड गर्ल और हेड बॉय कक्षा 11 में अध्ययनरत हो, माध्यमिक विद्यालय होने की स्थिति में उक्त कक्षा 9 होगी। चयन हेतु विचारणीय विद्यार्थी का गत बोर्ड कक्षा की उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, विद्यार्थी का सह शैक्षिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी होना, विद्यार्थी का शिक्षकों के साथ व्यवहार, विद्यार्थी का सहपाठियों एवं अपने छोटों के साथ कैसा व्यवहार है वो देखा जाएगा, विचारणीय विद्यार्थी की नेतृत्व क्षमता कैसी है ये भी देखा जाएगा। तो नामों की घोषणा और बैज का आवंटन कैसे होगा, उक्त आधार पर श्रेष्ठतम प्रतिभा वाले बालक बालिका का हेड बॉय अथवा हेड गर्ल का चयन कर उक्त घोषणा नोटिस बोर्ड के ऊपर चिपकाई जाएगी और सार्वजनिक की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो उक्त आदेश है, इसके उपरांत आयोजित होने वाली प्रथम अध्यापक अभिभावक समिति PTM जो मीटिंग है, इसमें इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को हेड बॉय और हेड गर्ल का बैज पहनाकर अतिथियों के समक्ष प्रस्तावित करना होगा। उक्त कार्यक्रम में इन हेड बॉय और गर्ल को बैज पहनाने के अलावा 2 फोटो व्हाट्सएप समूह में साझा की जाएगी। उसके बाद में हेड बॉय और हेड गर्ल के क्या क्या कार्य होंगे। हेड बॉय और हेड गर्ल विद्यालय में विद्यार्थियों और प्रधानाचार्य के बीच की एक कड़ी का कार्य करेंगे। वे विद्यार्थियों की समस्याओं को प्रधानाचार्य को अवगत करवाएंगे। विद्यालय में अनुशासन संबंधी समस्त कार्यों में सहभागिता करेंगे। बाल सभा है, PTM है, SDMC की बैठकों में समन्वय का कार्य करेंगे। विद्यालय के विकास कार्यों एवं बतौर सदस्य में इनकी भूमिका होगी। विद्यालय में होने वाले उत्सवों में इनकी संपूर्ण भागीदारी ली जाएगी। नामांकन, वृक्षारोपण तथा परीक्षा तैयारी अध्ययन में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।
विद्यालय में विद्यार्थियों की आवश्यकता का आकलन कर संस्था प्रदान के साथ साझा करेंगे। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन की योजनाओं के संबंध में जानकारी दिलाएंगे तथा पात्र विद्यार्थियों को आवश्यक समन्वय कर इन योजनाओं से लाभान्वित कराना इनका दायित्व होगा। विद्यालय में शिकायत पेटी का गरिमा पेटी का संचालन में सहायता करेंगे तथा शिकायतों के समाधान का भी समन्वय करेंगे। हेड गर्ल विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं को सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाने के लिए समन्वय करेंगे तथा मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के संबंध में भी प्रभारी अध्यापिका के साथ समन्वय कर जागरूकता पैदा करने में इसकी भागीदारी होगी। अतः निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्राधीन विद्यालयों में निर्देश जारी करवा कर जो विद्यालय आते हैं पीओ के अंडर उनकी बात हो रही है। विद्यालय में हेड बॉय और हेड गर्ल की जो चयन नियुक्ति 20/2/2021 तक पूर्ण करवाकर समस्त जो सीबीओ शिक्षा अधिकारी हैं उनको ये सूचना निम्न प्रारूप में दी जाएगी। और ये जो प्रमाण पत्र है कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ये देना पड़ेगा कि भाई सभी जो अधीनस्थ विद्यालय हैं उनमें हेड बॉय और हेड गर्ल की नियुक्ति हो चुकी है। तो साथियों ये थी नई न्यूज हेड गर्ल और हेड बॉय की नियुक्ति के संबंध में। मिलते हैं अगले वीडियो में।